हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास एर्थ का भारतीय संविधान वाला टॉपिक पढ़ेंगे। मेन एर्थ क्लास में जो हम सबसे पहले पॉलिटिकल वाला टॉपिक है भारतीय संविधान। संविधान यानी नियम कानून। पहली बात कि नियम क्या होते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। फुटबॉल आप सभी ने अधिकांशतः खेला होगा। फुटबॉल के अपने नियम होते हैं। फुटबॉल यदि हाथों पर या बाह पर टच हो जाती है तो हम उसे फाउल कहते हैं। इसी प्रकार जैसे एक विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी स्कूल जा रहा है लेकिन वो ड्रेस पहनकर नहीं जा रहा, या एग्जाम के अंदर कोई भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसका जवाब ना देकर अन्य किसी और क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? नियम। जैसे फुटबॉल में अपने नियम होते हैं, स्कूल से संबंधित अनुशासन या अन्य जो पार्ट हैं उसके अलग अलग नियम होते हैं। उसी प्रकार नियम इन खेलों की तरह ही हर समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं और इन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। जो नियम होता है उनसे ही क्या होता है, समाज का स्वरूप तय होता है। और कहने का मतलब कि नियम कि इन नियमों से क्या होता है, समाज का स्वरूप। और इसके अतिरिक्त अलग अलग समाजों के बीच जो फर्क होता तय होता है वो भी किसके कारण होता है, नियमों के कारण। या यूं मान सकते हैं कि बड़े समाज में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं तो वहां पर नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है, वो सब नियम होते हैं। अब वो नियम किसके द्वारा तय होते हैं, संविधान के द्वारा तय होते हैं। संविधान, जैसे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है। अब हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि व्यक्तियों को नियम में रहने की क्या जरूरत है, या हम ये मान सकते हैं कि संविधान है, इस संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, कि संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे समाज के बारे में मैंने आपको बताया, दो तीन उदाहरण देकर बताया कि खेलों की तरह हर समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं और इन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है। बड़ा समाज होता है उसमें कई अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। तो संविधान भी यही है कि भारत का संविधान लिखित है जिसे लगभग 300 व्यक्तियों ने मिलकर बनाया। आज सबसे पहली चीज हम लेते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे पहली बात, आज दुनिया के अधिकांश देश, ज्यादातर देशों में के पास अपना संविधान है। अपना संविधान मतलब जो ज्यादातर देश हैं उनके पास अपना संविधान है। और आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर से होगा। संविधान की आवश्यकता समाज के स्वरूप को तय करने के लिए की जाती है। बड़े समाज में ऐसे नियम तय होते हैं जो आम सहमति से तय किए जाते हैं जिसमें अनेक प्रकार के समाज के लोग रहते हैं। तो पहली बात कि भारत ही नहीं अपितु विश्व के अधिकांश देशों में का अपना अलग संविधान है। और संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है कि आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक जो देश हैं, लोकतांत्रिक देशों में अपना
खुद का संविधान होता है। अब संविधान का जो दूसरा मुख्य बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना। संविधान का मुख्य उद्देश्य, दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है, देश की राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था तय करना है। दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है, देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं हम, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र और डेमोक्रेसी। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना। और लोकतंत्र में हम अपना नेता स्वयं चुनते हैं, यानी खुद चुनते हैं। वो क्यों चुनते हैं, ताकि हमारी ओर से सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। जो हमारी ओर से जो नेता होता है वो क्या करता है, सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करता है। और हमारा संविधान या संविधान के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, नस्ल, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। तो दूसरी बात क्या हो गई, देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना, मेन क्या है, देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, ताकि हमारी ओर से सत्ता की जिम्मेदारी का इस्तेमाल हो सके। जो तीसरी मेन बात आती है कि लोकतंत्र में संविधान का जो मेन क्या होता है, तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर या हम ये भी मान सकते हैं लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। तीसरी जो मेन संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि ताकतवर समूह या कम ताकतवर या लोगों के खिलाफ ताकतवर समूह अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। चौथी जो हम बात कर रहे हैं कि संविधान की जो चौथी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे मेन बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत दल की सरकार बनती है, तो बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। और संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है, मेन कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। और संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। मेन तीसरी चीज क्या आ गई, अल्पसंख्यक के बारे में कि संविधान में जो भी दिया जाता है नियमों में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित नहीं किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अब इन सब जो मेन मैंने जैसे आपको सिंपल
हर चीज की संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, पहले हम भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है वो चीज है। जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व के ज्यादातर देशों में संविधान है और लोकतांत्रिक देशों में संविधान की आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश का अपना अलग संविधान होता है। दूसरा, देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना कि लोकतंत्र में क्या होता है कि व्यक्ति अपना, लोकतंत्र में हम अपना नेता खुद चुनते हैं और वे हमारी सत्ता की बखूबी जिम्मेदारी का इस्तेमाल कर सके वो नेता। और तीसरी बात, ताकतवर समूह के बारे में बताया मैंने आपको, जैसे कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी होता है कि ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। इसी प्रकार बहुमत की निरंकुशता का खतरा, कि खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। अब हम जो इसका उदाहरण, इन सब बातों का उदाहरण हम हमारे पड़ोसी देश नेपाल से लेते हैं। जो भारत की उत्तरी सीमा में स्थित नेपाल देश है, वहां से हम इन सभी बातों को आगे बढ़ाते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी है या संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे इन सब बातों का मतलब समझने के लिए हम भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल का उदाहरण लेते हैं। नेपाल, यह बात कि नेपाल के अंदर, नेपाल में आज से कुछ समय पहले राजतंत्र था। नेपाल में क्या था? आज से कुछ समय पहले राजतंत्र था। यानी राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजा का शासन। कि नेपाल में आज से कुछ समय पहले राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पहला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। कि 1990 से पहले का जो नेपाल था उसमें संविधान में इस बात पर सर्वोच्चता दी गई थी कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में रहेगी। और नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते रहे थे और इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। और नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। स्वाभाविक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमने बातें पढ़ी, जैसे ताकतवर समूह का, कम ताकतवर या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, बहुमत के सिद्धांत का खतरा, यानी अल्पसंख्यकों के लिए कोई ऐसी चीज उपलब्ध करने में उनमें परेशानी हो जो बहुसंख्यकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके, या लोकतंत्र के अंदर जैसे अनेक प्रकार की धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो भेदभाव आदि किया जाता है, उन सब के लिए तो नेपाल का उदाहरण दिया है। कि नेपाल में जो हमारा पड़ोसी देश है, उत्तरी सीमा पर स्थित है नेपाल, उसका उदाहरण लेते हैं कि नेपाल में कुछ समय पहले तक राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था, और 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान राजतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था जिसमें शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में थी। और नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे और इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। और नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर नया संविधान लिखने के लिए या नया संविधान चाहते थे। 2000
6 के बाद में, जैसे मैंने आपको फुटबॉल का उदाहरण दिया था शुरुआत में कि फुटबॉल में जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, नियम बदले यानी खेल बदल गया, उसी तरह नेपाल में भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र के लिए सारे नियम बदल दिए गए। और यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाया, जैसे खेल फुटबॉल का खेल होता है उसमें नियम बदल गए यानी खेल बदल गया। और जैसे फुटबॉल में हाथ टच होता है या हम पैरों की जगह हाथों से खेलने लग गए तो क्या होगा, खेल ही बदल गया। तो इसी तरह नेपाल में भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र के लिए सारे नियम बदल दिए गए। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। अब इसी संदर्भ में कि भारत, भारत में संविधान का निर्माण किया गया, वो क्यों किया गया, मेन जैसे भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी साम्राज्य ने शासन किया, तो हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि भारतीयों, या यूं मान सकते हैं कि 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। कब? 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को अपनी नीति और भविष्य, या नियति और भविष्य तय करने के लिए भारतीय संविधान बनाने का मौका मिला। हम ये देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन, संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। कब? 1934 में। संविधान सभा, जैसे मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा में 300 के लगभग व्यक्ति थे और इस संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि 150 वर्ष की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को अपनी नियति और भविष्य तय करने के लिए तैयार किया गया। कहने का मतलब कि 150 वर्ष की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। और ये 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग अपनी अधिकृत नीति में उसे शामिल किया था। इसके बाद में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, मतलब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। और दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसमें 300 लोग शामिल थे। हमने आज संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह चीज हमने आज पढ़ी। अब हम अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण 5 या 6 बातों का अध्ययन करेंगे।